जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई फाइनली ये आ चुका है प्राइम बुक, एक ऐसा लैपटॉप, क्या एक्चुअली लैपटॉप है कि नहीं वो अभी बताता हूँ। प्राइस 15,000 के आसपास, वैसे हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 13,000 में 2,000 का डिस्काउंट लगा के, बट फ्लिपकार्ट ने घर पहुंचते पहुंचते ऑर्डर कैंसिल कर दिया और काइंड ऑफ एक अलग सा फ्रॉड करते हैं फ्लिपकार्ट वाले। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बात किया हुआ था, अब वो तो नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने कहा था मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको कहीं से मैनेज कर लिया। और इनके सर्विस सेंटर की बात करेंगे और साथ में अंदर भी दिखा दूंगा आपको कि क्या दे रखा है लैपटॉप के अंदर। तो करते इसके बारे में बात, बट रिक्वेस्ट करूंगा, काफी सारे लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं चुपचाप, भाई चुपचाप मत जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि फिर आइए बढ़िया वीडियो देखिए। प्राइम बुक तो खैर यहाँ पे बाहर रखा हुआ क्योंकि मैं इसे टेस्ट कर रहा था ताकि आपको बता सकूं क्या कैसे दिया है। लेकिन बॉक्स की बात करें तो ये है प्राइम बुक 4G का बॉक्स। पैकेजिंग अच्छी है, इसके अंदर लैपटॉप आया था। इस बॉक्स के अंदर 24 वोल्ट का चार्जर मिलता है, ये नहीं खुला अभी तक। बोट बेस हेड्स 104, एक क्विक रिव्यू भी दे देता हूँ आपको। 450 का था ये, नॉट रिकमेंडेड। और क्यों मिला पता बॉक्स के अंदर, क्योंकि प्राइम बुक शार्क टैंक में गए थे जहां पे बोट के ओनर ने भाई पैसा इन्वेस्ट किया प्राइम बुक के साथ, एक तरह से पार्टनरशिप। क्या सोचे थे बोट वालों, हम इसे दिखा देंगे, बस हम इसे भी टेस्ट कर देते हैं। जैसे ये वाला बोट का हमारे पास था एक, ये वाला दे देते यार, मजा आ जाता, स्वाद आ जाता, तारीफ भी कर देता। सबसे पहले आपको प्राइम बुक के बारे में दो चीजें जाननी होगी। अगर इनके ऑफिशियल पेज पे जाते हैं, देखिए पहली लाइन है मेड फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स को टारगेट ज्यादा कर रहा है बेसिकली। और अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा भाई शार्क टैंक में गए थे लोग, फ्लिपकार्ट पे मिलता है ये, अगर फ्लिपकार्ट डिलीवरी कैंसिल ना करे पहुंचने से पहले। यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह वो सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ, और दिखने में लगेगा कि एक लैपटॉप है जहाँ पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जहाँ पे आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप यूट्यूब देख सकते हैं, काफी सारी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। 4G इनेबल्ड लैपटॉप है ये, सिम लगाना पड़ेगा, यहाँ साइड में इसमें सिम लगता है, इसके अंदर आप कोई भी सिम लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि हमने इस सिम को उल्टा सीधा हर तरीके से लगा के देख लिया, ये काम नहीं कर रहा है, बट ये मेरे यूनिट पे प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं सर्च कर रहा था तो सिम काम कर रहा है इसके अंदर। बाकी आप यहाँ SD कार्ड लगा सकते हो, 3.5 mm जैक है, टाइप ए USB पोर्ट है, और लैपटॉप के दूसरी साइड एक और टाइप ए USB पोर्ट है, ये चार्जिंग के लिए है, और मिनी HDMI पोर्ट भी मिलता है। बाकी मुझे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, देखो मुझे प्राइस भी देखना, सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से ठीक लगी, प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाएगी, बहुत बेटर नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत फ्लेक्स यहाँ मिलेगा, सिंगल हैंड से आप इसे ओपन नहीं कर सकते, ऐसे ओपन करना पड़ेगा। कीबोर्ड वगैरह की बात करें, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे पसंद आया, और ये साइज फुल लैपटॉप का नहीं है, स्मॉल है, उसके हिसाब से ट्रैक पैड का साइज भी ठीक है। स्पीकर आपको ठीक ठाक मिलते हैं, एवरेज टाइप। एस्केप बटन की जगह यहाँ पे बैक बटन है, यहाँ कंट्रोल बटन है, इससे मैं ब्राउजर ओपन कर सकता हूँ सर्च करने के लिए, ये काइंड ऑफ विंडो बटन का काम करता है, यहाँ से सारी एप्लीकेशन आ जाती है। फिर स्पेस बटन है, ये बटन जिस तरीके से होता है आपका नॉर्मल कीबोर्ड में सब ऐसे दे रखा है। ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ शॉर्टकट भी काम करते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं ब्राउजर में, और ऑल्ट टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने रन कर रखी है उसे स्विच करने का ऑप्शन भी आ जाता है। तो कुछ शॉर्टकट्स काम करते हैं, सभी नहीं, PC नहीं है ना ये। और इसके अंदर कोई फैन वगैरह नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है फोन की तरह ही मान के चलो आप। यहाँ पे है MediaTek MT8788, तो इसके अंदर मैंने अंतुतु स्कोर भी चेक करके देखा, 8-9 हज़ार रुपए के फोन में ऐसा स्कोर देखने को मिल जाता है। ये मिलेगा आपको 4GB रैम के साथ, 64GB इंटरनल है, और स्टोरेज इसके अंदर EMC स्टोरेज है। मैं आपको दिखाता हूँ प्राइम OS दिखता कैसे है। यहाँ से एप्स ओपन होती है जो आपने इंस्टॉल किया या जो पहले से, वो सारी यहाँ से बैक होता है, और अगर आपने कुछ ओपन किया हुआ है इस बटन से होम बटन पे चला जाएगा, और ये वो एप्लीकेशन है जो आपने ओपन किया हुआ है, और ये वो बटन है जिससे आप ऑप्शन दिखाता है सारी एप्लीकेशन को एक साथ क्लोज कर सकते हैं। और इस साइड में यार टाइम, बैटरी, वाईफाई वगैरह दिखाता है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा 5 GHz के साथ। और यहाँ टैप करते हैं तो ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है। इट जस्ट लाइक फोन को आप थोड़े बड़े डिस्प्ले पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, और अच्छा लगा ये देख के कि इसके अंदर भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें काम की होती हैं। अभी एंड्रॉइड बेस्ड है तो काफी हद तक एंड्रॉइड से मैच करता हुआ है। सेटिंग ओपन करेंगे तो आप ये इस तरीके से एंड्रॉइड फोन में भी सेटिंग्स आती है, वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है, और फोन के तरीके से ही आप इसमें 1, 2, 3, 4 जैसे मैंने पासवर्ड लगाया वो आप वैसे ओपन करेंगे। अब जैसे मैंने इसमें मिनी मलेशिया, क्रोम, नेटफ्लिक्स, अंतुतु स्कोर चेक करने के लिए, BGMI, WhatsApp, YouTube ये सब ओपन किया हुआ है। ये इसका ऐप स्टोर है, एक्चुअली प्ले स्टोर नाम से नहीं होता, ये ऐप स्टोर नाम से होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट प्ले स्टोर की काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, कुछ कुछ नहीं मिलती, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी जो मैं फोन में यूज करता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ ताकि अंदाजा लगे, ये देखने को मिल गया। गन्स ऑफ बूम ये वाली सर्च करेंगे यहाँ नहीं आएगा। अगर आप लाइट रूम सर्च करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, फोटोशॉप भी आ जाता है इसी तरीके से। हर स्टूडेंट एक एप्लीकेशन जरूर यूज करता है, वो है वेयर इज माई ट्रेन, बिल्कुल मिल जाएगा। ओला, जोमेटो, स्विगी, एजुकेशनल एप्लीकेशन, वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन, ये सब देखने को मिल जाते हैं।
मैंने कहा ना मोस्टली मिल जाती है सारी, लेकिन ये हो सकता है कुछ एप्लीकेशन इस ओएस के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हो। जैसे कि यूट्यूब एप्लीकेशन जब डाउनलोड करके प्ले करो, यहाँ से मैं वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर सकता हूँ, वीडियो प्ले पॉज का ऑप्शन मिलेगा, बैक आने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जैसे अगर मैं कोई शॉर्ट वीडियो प्ले कर देता हूँ तो ये देखो आप, ये पूरी वीडियो आती ही नहीं है, अलग सा रेशियो बना के शो करता है ये। तो एप्लीकेशन को खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ऐसे कर दूंगा, देखो यहाँ पे शॉर्ट प्रॉपर प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे बैक का बटन दबाता हूँ फिर से वैसे ही हो जाता है। और फन फैक्ट पता क्या, यूट्यूब के एप्लीकेशन में वीडियो जो होती है क्रिएटर्स की वो स्मॉल दिखती है, लेकिन जो यूट्यूब ऐड लगाता है ना वो बड़े बड़े देखने को मिलते हैं भाई, फुल स्क्रीन पे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको रियल लाइफ में कुछ एप्लीकेशन के साथ देखने को मिल सकती है। मैं हर एप्लीकेशन नहीं टच कर सकता ना, लेकिन यूट्यूब का इलाज है। जैसे ये क्रोम है ना, इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं यूट्यूब ओपन कर लूंगा और ये बिल्कुल फोन की एप्लीकेशन की तरह है। यहाँ टैप करूंगा, यहाँ एक ऑप्शन आता है ना जैसे स्मार्टफोन में, वैसे यहाँ भी आएगा डेस्कटॉप साइट। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट प्ले कर सकते हो आप नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आप अपने पीसी वगैरह में करते हैं, मतलब डेस्कटॉप मोड पे बेसिकली। और रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें कहाँ स्टैंड करता है, आप कोई एक एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, चलाते रहिए, चलता रहेगा, फ्रेम ड्रॉप छोटा छोटा लैग देखने को हमेशा मिलेगा। जैसे आप यूट्यूब को फुल स्क्रीन में करते हैं फिर बैक आते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, एप्लीकेशन स्विच करते हैं हल्का सा डिले देखने को मिलेगा। इवन जैसे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर मैं ये काम जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना तो ब्राइटनेस जल्दी जल्दी कम हो रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेट रिस्पॉन्स कर रहा है कि अब जाके स्विच हुआ है। ऐसे ही फास्ट करूंगा तो भी ऐसे ही होगा, देखो मैंने हाथ हटा लिया बट अब स्विच। तो बहुत ज्यादा आप इससे हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद मत लगाइएगा, बट आप नॉर्मल सारे काम करते रहिए, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आप 14-15 हज़ार रुपए का कोई टैबलेट भी बाय करते हैं वो भी ऐसे सुपर फास्ट नहीं फील होता, आपको 20,000 से ऊपर जाना पड़ता है। और लैपटॉप लेते हैं तो आपको 30,000 से ऊपर जाना पड़ेगा, और क्रोमबुक लेते हैं तो भी आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है लगभग। बाय द वे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक डिस्प्ले मिल जाएगी आपको। अब अगर आप सोचे वीडियो देखते हुए मस्त कलर मिलने वाले, तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी डिस्प्ले है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिस्प्ले पे क्या चल रहा है आप क्लियर देख सकते हैं, 1080p की वीडियो प्ले कर सकते हैं, प्ले आप 4K तक कर सकते हैं, लेकिन 4K में प्ले करेंगे तो वीडियो लैग होने लग जाती है क्योंकि प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी 4K में प्ले करने के लिए। बस मैं दिखाना चाहता हूँ परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करता है। तो ये है प्राइम बुक की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी। ऑनलाइन लाइव क्लास लेना, लाइव किसी से बात करनी, उस तरीके से सिर्फ काम चलेगा, इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी नहीं कैप्चर करता। तो एक लाइन में मैं कहूँ किसके लिए है ये, इनका कहना स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट कई टाइप के होते हैं, कॉलेज हुआ भी एक स्टूडेंट होता है, ये कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये क्या है, एक लैपटॉप वाली फील देता है कि स्टूडेंट को, स्पेशली जो 8th तक है, अप टू 10th तक भी मान सकता हूं मैं, भाई लाइव क्लास लेना चाहता है, वीडियो देखना चाहता है, तो उसको आराम से टेबल पे बैठ के कीबोर्ड भी मिल गया, साथ में डिस्प्ले भी मिल गई है, और काम अपना कर पाएगा। तो मैं गेम में आपको दिखाता हूँ की मैपिंग, वेबसाइट पे देखेंगे आप तो की मैपिंग अलग से मेंशन होता है। तो ये रहा की मैपिंग, सबसे पहले देखो बटन का ऑप्शन है, इससे हम बटन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बटन यहाँ प्रेस करते ही आ गया, मैं चाहता हूँ इस बटन से मैप खुले, तो यहाँ ले आया मैं, एम प्रेस किया, यहाँ एम आ जाएगा। एक डी पैड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया भाई, जिससे मैं प्लेयर को आगे पीछे कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप स्वाइप, माउस का लेफ्ट, माउस का बीच वाला, माउस का राइट, एम बटन, और इसको मैंने स्कोप वाले पे रख दिया। तो इस तरीके से आप की मैप कर सकते हो अलग अलग गेम में अलग अलग चीजों के लिए, जहां भी आपको जरूरत हो, और आप उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो पूरा। और मैं इससे गेम खेल सकता हूँ, 30 FPS की गेमिंग हो जाती है भाई इसके अंदर। बाकी ये गेमिंग के लिए तो नहीं बना है, बट कैजुअल गेम्स, छोटी मोटी गेम्स थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर्विस सेंटर के बारे में भी मैंने बातचीत करी भाई, और मैंने इन कस्टमर केयर पे कॉल करके देखा, ये बेसिकली थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है। मैंने 8-10 जगह फोन किया, 3-4 मोटरोला वाले निकले, उनका कहना था प्राइम बुक का ये सर्विस सेंटर नहीं, मोटरोला का सर्विस सेंटर है। 3-4 स्विच ऑफ थे, और साथ में 2-4 से बात भी हुई कि हाँ भाई ये प्राइम बुक का ही सर्विस सेंटर है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो मे बी आपको सबमिट करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नया ब्रांड है, फिर वो पार्ट्स वगैरह मंगाएंगे, आएगा, लगेगा, तब ये आगे काम करेगा, 1 ईयर वारंटी देते हैं लोग। और अंदर देखते क्या इसके, ओके 4000 mAh बैटरी, मेड इन चाइना बेस्ड। यहाँ पर ना जो मतलब फिट और फिनिश वगैरह दे रखा है इन्होंने, ऐसे ठीक दे रखा है, और यही मैं दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खोला था, ज़्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि मैं कोई हार्डवेयर एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अच्छा ट्राई किया हुआ है, बस सेकंड जनरेशन में मैं उम्मीद लगाता हूँ इसकी डिस्प्ले थोड़ा इंप्रूव की जा सकती है, परफॉर्मेंस पार्ट को थोड़ा और इंप्रूव किया जा सकता है, और प्राइम ओएस के कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर हल्का सा और काम किया जा सकता है। बाकी खरीदना ना खरीदना देखो भाई आपकी मर्जी है, मैंने जो जैसे मिला बता दिया, एकदम रद्दी जैसे बेकार प्रोडक्ट होते हैं ना वैसा नहीं निकला, ये अच्छा है अपनी जगह पे। हाँ बद्दू किस बात का, प्राइम बुक वालों ने 2,000 रुपए प्राइस बढ़ा दिया, आप नए नए मार्केट में आए हो, ये गलत मार्केटिंग है। और साथ में ब्रांड क्लेम करता है भाई 8 आवर्स की बैटरी लाइफ, बैटरी ड्रेन टेस्ट तो नहीं किया मैंने, 4-5 आवर्स के आसपास मिलना तो चाहिए। बाकी आप बताओ क्या कहना है इसके बारे में, आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।